ये बीबी का मकबरा है, जो कब्र है दिलराज बानो बेगम की, जो औरंगज़ेब बादशाह औरंगज़ेब है उनकी बीवी, और आज़म शाह जिन्होंने इनके लिए अपने माँ के लिए बनाया है उनकी कब्र है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, जो ये पूरा बीबी का मकबरा है ये 80% प्लास्टर में बना हुआ है और 20% संगमरमर में बना हुआ है। जो संगमरमर यूज़ हुआ है एकदम ये नीचे यहाँ यूज़ हुआ है और इसके एकदम टॉप पे यूज़ हुआ है। ये बीच में आपको जितने भी दिख रहा है ये पूरा प्लास्टर है। 377 लोग यहाँ एक टाइम पे नमाज पढ़ सकते थे, इतनी इसकी कैपेसिटी थी। निज़ाम सरकार ने बनाया था 18 सेंचुरी से तो 19 सेंचुरी के बीच में, और आप देख सकें ये बहुत खूबसूरत और बहुत एक नायाब चीज़ है, जिसकी आप इसकी कारागिरी देखेंगे तो बहुत खूबसूरत बनी हुई है। तो एवरीवन, मैं हूँ मुजम्मिल खान और आज मैं हूँ औरंगाबाद में। तो आज मैं औरंगाबाद को एक्सप्लोर करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। इस औरंगाबाद को एक और चीज़ से बोला जाता है द सिटी ऑफ गेट्स, क्योंकि यहाँ 52 दरवाजे हैं। तो मैं यहाँ बहुत इतिहास से जुड़ा हुआ एक शहर है, इसको पूरा एक्सप्लोर करना है। तो मैं यहाँ अभी आया हूँ औरंगाबाद में, और यहाँ से हम जो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं औरंगाबाद की, इसमें क्या क्या है यहाँ देखने लायक और किस चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए जब आप औरंगाबाद देखने आए। तो मैं अभी हूँ बीबी के मकबरे के पास, तो यहाँ मैं बीबी के मकबरे के बाहर हूँ, अभी अंदर चलते हैं। मैंने टिकट ले लिया है, टिकट है 25 रुपये की। अब अंदर जाके देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं बीबी के मकबरे को। हम अंदर आ चुके हैं बीबी के मकबरे में, और आपको मैं बता दूं बीबी का मकबरा 17 सेंचुरी में बना था और इसे औरंगज़ेब के बेटे आज़म शाह ने बनाया था, जिन्होंने अपनी माँ के याद में, जिनका नाम था दिलराज बानो बेगम। और इसको बनने में 10 साल लगे थे, 1651 से लेकर 1661 तक, और इसको 10,000 वर्कर्स ने काम किया था इसको बनाने के लिए इन 10 सालों में। और ये एकदम आप देखेंगे पूरा, आपको ऐसा एक पल के लिए ऐसा लगेगा ये ताजमहल से पूरा कॉपी है, मगर इसमें बहुत सारे डिफरेंस है जो कि एक जैसे नहीं है। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ, इसमें दो इंजीनियर्स ने काम किया था जिन्होंने जो बनाया था, एक था हसपत राय और दूसरे थे अतुल्ला, जो इन्होंने इसको बनाया गया था। और वहाँ तो यानी जो इंजीनियर्स ने जिन्होंने काम किया था ताजमहल में, उनके हाथ काट दिए गए थे, मगर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। और इसको आप चारों तरफ से भी देखेंगे तो सेम नज़र आएगा, जैसे कि आप इधर से भी पूर्व पश्चिम उत्तर हर डायरेक्शन से देखेंगे तो आपको सेम दिखे देगा जैसे कि ताजमहल दिखता। तो ताजमहल के पीछे नदी जा रही है, ये चारों तरफ आप देख सकते हैं ये पहाड़ों से घिरा हुआ है बीबी का मकबरा। और इसको उस वक्त का 668,000 रुपये लगे थे बनने के लिए इसको 17 सेंचुरी में, और ये एकदम एक नायाब चीज़ है। और आप देख सकते हैं जो पहला अट्रैक्शन है हमारा, ये आप देख सकते फवारा, मगर ये कभी चालू नहीं हुआ, ये उस टाइम से मुग़ल एरा से लेकर अभी तक कभी मगर चालू नहीं हुआ, जैसे कि वैसी ही है आप देख सकते हैं। इसमें पानी का उसमें दिया हुआ है मगर पाइपलाइंस नहीं है जहाँ से वो पानी आ सके। तो ये बहुत खूबसूरत है, जो आप इसके मीनार देख रहे हैं, ये मीनार 140 फीट ऊपर है, हाइट है इसकी 140 फीट हाइट है इसकी, आप मीनारों की आप देखेंगे। और ये एकदम खूबसूरत एक नायाब चीज़ है। तो अभी हम करीब जाके देखते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं और किस में और चीज़ें क्या क्या नए नए हैं इसमें देखने के लायक। मैं अभी यहाँ खड़ा हुआ हूँ बीबी के मकबरे के नीचे। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो दिख रहा है आप, यहाँ पहले उस टाइम पे पानी आता था एज अ अट्रैक्शन ये था। और यहाँ दो दरवाजे ऊपर जाने के लिए, ये दो जाने के लिए दरवाजे हैं, और यहाँ पानी आता था उस टाइम पे, मगर यहाँ नहीं आता था, यहाँ पानी के पाइपलाइंस नहीं थे इधर साइड में, इनको बना के रखा गया था मगर यहाँ कभी पानी आया ही नहीं, और ये पानी का है। तो अभी ये आप यहाँ से देखेंगे ये पूरा 34 एकड़ में फैला हुआ है, पूरे 34 एकड़ में फैला हुआ है, और इसके आजू बाजू पूरे बगीचे है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरे बगीचे हैं, उधर एक फाउंटेन है जो अभी बंद है, और वहाँ भी एक फाउंटेन है, दोनों इसके आजू बाजू फाउंटेन है इसके एकदम बाजू में। और बीबी का मकबरा एकदम सेंटर में है, इसलिए इसका एकदम खूबसूरती इसकी अट्रैक्शन एक अलग तरीके से आपको नज़र आती है आप यहाँ आएंगे। तो अभी हम ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के देखते हैं इसमें और क्या खास है। चलिए अभी ऊपर जा रहे हैं हम, आप देख सकते हैं इधर का एरिया भी इन्होंने बंद करके रखा है। वैसे
लाजवाब बना हुआ था, ऐसा लग रहा है ताजमहल के जैसी है। आप इसके मीनारें देख सकते हैं, 140 फीट के ऊपर की मीनारें, 140 फीट हाइट इस मीनार की, चारों मीनारों की, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ भी ऐसा फाउंटेन दिया हुआ है पर ये भी बंद है, चालू तो है नहीं, आप देख सकते हैं। ये उस टाइम का बना हुआ है, 1661 का, सोचिए 17th सेंचुरी का। ये अंदर जाने का है, सब अंदर जा रहे हैं, जब अंदर जा रहे हैं बीवी के मकबरे। ये नीचे जाने का रास्ता था जो कब्र है वहाँ का, आप देख सकते हैं। फिलहाल तो ये बंद है पूरा, बहुत सारे पैसे हैं इसमें, आप देखेंगे कॉइन्स पैसे लोगों ने बहुत सारे फेंके। अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं बीवी का मकबरा कैसे है। अच्छा, वो आप जो देख रहे हैं वो एसी की तरह काम करता था, वहाँ से एकदम ठंडी हवा आती थी और यह एकदम ठंडा रहता था। और ये आप जो देख रहे हैं ये बैठने का है, शायद उस टाइम पे यहाँ से ऊपर से देखा जाता था बीबी के मकबरे को। फिलहाल तो ऊपर का भी बंद है। और ये कब्र है, अरे भाई साहब इतना पैसा तो मैंने कोई ऐसी जगह देखा नहीं किसी ने फेंका हुआ हो। कम से कम भाई 1-1.5 लाख के ऊपर होगा, क्या ज़्यादा? आसिफ भाई कितना होगा? ज़्यादा होगा? मैंने सुना है अगर मोबाइल भी गिर गया है तो वापस ही मोबाइल भी नहीं मिलता है। टोपी भी गिरी है, बॉटल्स पैसे जो गिर गया वो नहीं मिलता है, साल में एक बार ही खुलता है। आप देख सकते हैं ये बीबी का मकबरा है, जो कब्र है दिलराज बानो बेगम की, जो औरंगज़ेब बादशाह औरंगज़ेब है उनकी बीवी, और आज़म शाह जिन्होंने इनके लिए अपने माँ के लिए बनाया है उनकी कब्र है। देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है ये। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, जो इसके साइड में एक मस्जिद है जो कि निज़ाम सरकार ने बनाए थे। ये बनाए गए थे 18th सेंचुरी तो 19th सेंचुरी के बीच में बनाई गई थी। ये निज़ाम सरकार की बनी हुई मस्जिद है, अभी तो यहाँ नमाज़ नहीं होती है मगर उस टाइम पे यहाँ नमाज़ हुआ करती थी। आप देख सकते हैं मुग़ल टाइम निज़ाम टाइम्स में आप देखेंगे करीबन इसकी बनावट कारीगरी उस टाइम की बहुत खूबसूरत है। अभी शायद इस टाइम की कारीगरी आपको कहीं देखने नहीं मिलेगी जो उस टाइम की थी, और इतनी खूबसूरत बनी हुई है यार। इसका मेंटेनेंस भी बहुत अच्छा है, आप करीब से भी देख सकते हैं। ये देखिए वहाँ इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते थे। करीबन मेरे ख्याल से यहाँ तो 250 से 300 लोग आराम से आ जाते होंगे। हाँ, यहाँ लिखा हुआ भी है, दिस रेक्टेंगल्स आर सरमाउंटेड बाय द आर्च एंड कैन अकोमोडेट 377 पीपल्स एट अ टाइम फॉर 377 लोग यहाँ एक टाइम पे नमाज पढ़ सकते थे, इतनी इसकी कैपेसिटी थी। निज़ाम सरकार ने बनाया था 18th सेंचुरी से तो 19th सेंचुरी के बीच में। और आप देख सकें ये बहुत खूबसूरत और बहुत एक नायाब चीज़ है, जिसकी आप इसकी कारागिरी देखेंगे तो बहुत खूबसूरत बनी हुई है। और ये प्लास्टर से बनी हुई है, ये संगमरमर से नहीं बनी हुई है। और ये एकदम इसके बाजू में ये बीबी का मकबरा आप देखेंगे, ये मेरे बाजू में बीबी का मकबरा है, ठीक है, ये इसका एक साइड व्यू है। और ये उसके बाजू में बनी हुई मस्जिद जो कि 18th टू 19th सेंचुरी में बनी थी, निज़ाम सरकार ने बनाई थी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये पूरा बीबी का मकबरा है ये 80% प्लास्टर में बना हुआ है और 20% संगमरमर में बना हुआ है। जो संगमरमर यूज़ हुआ है एकदम ये नीचे यहाँ यूज़ हुआ है और इसके एकदम टॉम पे यूज़ हुआ है। ये बीच में आपको जितने भी दिख रहा है ये पूरा प्लास्टर है, क्योंकि उस वक्त है ना शॉर्टेज पड़ गई थी ये संगमरमर की, जो राजस्थान से बुलाया जा रहा था तो प्लास्टर का यूज़ किया गया है। तो ये पूरा तरीके से तो संगमरमर का बना हुआ नहीं है। और दूसरी बात, ये आप ताजमहल में देखेंगे कुरान की आयतें लिखी हुई है साइड में, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ एज अ डेकोरेशन आप देख सकते
फूल वगैरह ऐसे बने हुए हैं जो एक नया अट्रैक्शन है। तो इसमें और ताजमहल में ये डिफरेंशिएट है बहुत बड़ा, जो कि आप देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरा तो बना हुआ है नहीं ये संगमरमर का, और उस वक्त शॉर्टेज हो गई थी। और दूसरा, यहाँ कुरान की आयतें आप देखेंगे यहाँ नहीं है, वहाँ उसमें कुरान की आयतें आप देखेंगे साइड में, आपको कहीं ना कहीं लिखी हुई दिखेंगी। तो ये है, और मैं आपको ये इसका, मैं जहाँ खड़ा हूँ ये इसका बैक साइड है, ये फ्रंट साइड नहीं, आप देख सकते हैं। पीछे से भी सेम वैसे ही लग रहा है जैसे कि सामने से लग रहा था, साइड से लग रहा था, कोई भी चेंजेस नहीं है इसके। तो ये एकदम बहुत खूबसूरत और एक नायाब चीज़ है जो देखने लायक है। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ, मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। मैं आपको, ये पीछे का बैक साइड है बीबी का मकबरा का, आप देख सकते हैं। ये भी सीधा यानी पानी का उस टाइम पे यहाँ आता था बोलते, और वो पानी का यहाँ बैक साइड में भी सेम है जैसे मैंने आपको फ्रंट साइड में से बताया था। यहाँ भी दो दरवाजे हैं, आप देख सकते हैं, ये पहला दरवाज़ा ऊपर जाने का, ये दूसरा दरवाज़ा जाने का, सेम वैसी है जैसे फ्रंट साइड में। और जैसे फ्रंट साइड में मैंने आपको बताया हूँ, वैसे ही ये एक फाउंटेन के लिए जगह छोड़ी गई थी, जो कि वहाँ आप देख सकते हैं थोड़े गड्ढे है पाइपलाइन के लिए, अगर कोई पाइपलाइन वगैरह इन फ्यूचर अगर डाले तो ये एज अ फाउंटेन ये चालू हो, मगर ये चालू नहीं है, ये बंद है, किसी ने इसको इन फ्यूचर करा नहीं है। अगर करता तो बहुत अच्छा इसमें फाउंटेन से पानी आता और बहुत अच्छी खूबसूरती दिखती थी। ये बैक साइड है बीबी का मकबरा का, आप देख सकते हैं, ये पूरा 34 एकड़ में है फैला हुआ, और आजू बाजू बगीचे, मगर यहाँ बहुत सूखे, अभी गर्मी का मौसम है तो इसलिए शायद पानी की किल्लत है, और एकदम पहाड़ों के बीच है। बहुत खूबसूरत, बहुत एकदम अनोखी चीज़ आप देखेंगे बीबी के मकबरे में, एक ऐसी कारागिरी जो को आपको उस टाइम की याद दिलाती है जब औरंगाबाद के अंदर ये है। तो अभी तो ये हो गया, आगे चलते हैं, मैं आपको एक और चीज़ अभी आगे बताता हूँ। ये मेरे पीछे जो फाउंटेन है, ये उस टाइम का फाउंटेन है जो उस टाइम पे बना गया था बीबी के मकबरे के जो पीछे है साइड में। ऐसे चार फाउंटेन है, 1, 2, 3, 4। तो मैं आपको फाउंटेन बताता हूँ वो कैसा है, ये आप देख सकते हैं फाउंटेन की तो हालत खस्ता है अभी। यहाँ पाइपलाइन है तो शायद उस टाइम पे शायद यहाँ पानी आता होगा, उधर तो नहीं है पाइपलाइन डाली क्योंकि यहाँ पाइप दिख रहा है। ये उस टाइम का बना हुआ है, आप देख सकते हैं कारागिरी उस टाइम के फाउंटेन की। इस पे ऐसा फूल के आकार का एक शेप दिया गया है आप देखेंगे, और एकदम अनोखी तरीके से बनाया गया है, देखिए आप। तो ये फाउंटेन है और आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये पूरा बगीचा है जो मैंने आपको बताया 34 एकड़ में, बहुत बड़ा है ये साइड, एकदम सेंटर में बीबी का मकबरा है, आजू बाजू पूरे उसके बगीचे, चार फाउंटेन है, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये जो मीनार, ये बैक साइड के दो मीनार है बीबी के मकबरे के, जो बैक साइड के ये दो मीनार है, और फ्रंट साइड के मैंने आपको जब एंट्रेंस देता जब से मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको बताया है इसकी हाइट 140 फीट है आप देख सकते हैं, और यहाँ से इसका व्यू एकदम खूबसूरत दिख रहा है आप साइड से देखेंगे तो। और वहाँ मस्जिद है, मुग़ल मस्जिद कहा जाता है, अभी वहाँ भी चलता है, मैं आपको मुग़ल मस्जिद बताता हूँ आपको करीब ले जाके। जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मुग़ल मस्जिद, उस टाइम की बनी हुई मुग़ल मस्जिद है। यहाँ ये टैंक है जो इसमें पानी को रखा जाता था, और वहाँ वजू करने का है, जो आप देख सकते हैं इस मस्जिद के अंदर 167 लोग एक टाइम में नमाज़ पढ़ सकते थे। उस टाइम पे यहाँ नमाज़ हुआ करती थी और वजू हुआ करता, वजू करा करते थे लोग, वजू के वास्ते पूरी फैसिलिटी थी, टैंक थी और वहाँ हौज था जिससे यह पानी रहता था और जिससे वजू लोग करते थे। और यहाँ जो जो नमाज़ पढ़ने के लिए जो मार्बल्स जो यूज़ किए गए जब नमाज़ पढ़ते जा नमाज के जैसे, तो आप देखेंगे तो एक अलग ही शेप में, एक रेड वाइट अलग अलग कॉम्बिनेशन के जो मार्बल्स है वहाँ लगाए गए हैं, जिसके वजह से बहुत खूबसूरत दिखती है मस्जिद। और ये एक और हर आर्च पे यानी कॉर्नर्स पे आप देखेंगे स्टार्टिंग के 10 नाम आपको यहाँ देखेंगे, अंदर जो 89 नेम्स है वो अंदर दिखेंगे। तो ऐसे 99 नाम से जो अल्लाह ताला ने प्रॉफिट मोहम्मद को अलग अलग नामों से बुलाया था, तो ये उस मस्जिद में लिखे हुए। तो ये ब्लॉग में यही ख़त्म कर रहा हूँ मैं, आपको मस्त विजिट प्लेस है, आप ज़रूर आइए। आप यहाँ आएंगे तो आपको एकदम अनोखी चीज़ देखने मिलेंगी जो अमूमन आपको देखने नहीं मिलती है, और इसकी कारागिरी, इसकी खूबसूरती, और उस टाइम पे इसको कैसे बनाया गया, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये ब्लॉग में यही ख़त्म करता हूँ, अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।